हाउ टू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो जी, कोई भी केस स्टडीज का जब भी हमने प्रेजेंटेशन करना है, तो केस स्टडीज का प्रेजेंटेशन करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि आपको तीन स्टेप्स करने हैं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर वन अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर वन में रेलेवेंट प्रोविजन आना चाहिए, यानी कि लॉ का कौन सा प्रोविजन इस पार्टिकुलर केस में अप्लाई हो रहा है। जैसे कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, जो भी सेक्शन है, डैश ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा लिखना 2013। अगर रूल भी है तो लिख लेना रेड विद रूल नंबर डैश ऑफ कंपनीज, जो भी आपके रूल्स हैं, रूल्स 2014। इस तरीके से पहले स्टेप की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है जी। कोई लेफ्ट साइड पे मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल नॉर्मल लाइन से शुरू करना है। इतनी बात क्लियर? चलिए, तो ये आपका रेलेवेंट प्रोविजन है। जितना आपका आंसर होना चाहिए उसका 80% हिस्सा, 80% लेंथ ऑफ आंसर ये होनी चाहिए, रेलेवेंट प्रोविजन की होनी चाहिए 80% रेलेवेंट आंसर, ठीक है जी। रेलेवेंट प्रोविजन नहीं लिखना, आपने शुरुआत ऐसे ही करनी है और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से करनी है, एज पर द प्रोविजन ऑफ, मतलब कोई मार्जिन नहीं छोड़ना लेफ्ट हैंड साइड पे, और रेलेवेंट प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 80% लेंथ इसकी रहेगी। अगली बात, 80% लेंथ तो रहेगी, मगर लेंथ लिखते हुए एक चीज का मैनेज करना, वो क्या, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाना और पैराग्राफ को ब्रेक कर देना। जब भी ब्रेक करो तो ब्रेक कैसे करोगे, हमेशा सेमी कॉलन के थ्रू ब्रेक करते रहना। आप देख रहे होगे, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, देखिएगा आपके नोट्स की हालत देखिएगा, क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं, सेमी कॉलन से ब्रेक हो रहे हैं। आपने नंबरिंग तब तक नहीं देनी जब तक कि लॉ के आप वर्डिंग्स ना लिख रहे हो, कोई वर्डिंग्स डिफाइन कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब तब चल जाएगा, तब चल जाएगा। अदरवाइज नंबरिंग कोशिश करना मत देना, नंबरिंग बिल्कुल मत देना। जहां तक हो सके पैराग्राफ को तोड़ना है तो सेमी कॉलन्स के थ्रू ही तोड़ना है। जब भी किसी पार्टिकुलर सेक्शन को लिख रहे हो, बड़े पैराग्राफ कभी नहीं लिखने, हमेशा पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का एक पैराग्राफ बनना चाहिए। फिर अगर आपके पास वक्त है और आपको लगता है कि उस पैराग्राफ में आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है तो उसको प्लीज अंडरलाइनिंग जरूर कर देना। अंडरलाइनिंग से उसका ध्यान उसकी तरफ जाएगा और जितना ध्यान आप उसकी तरफ दिलवा पाओगे अच्छी अच्छी चीजों पे, उतना वो इंप्रेस होगा। तो ये सेमीकोलन यूज करना है प्लस अंडरलाइनिंग करनी है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपने रेलेवेंट प्रोविजन लिखने के बाद एक लाइन का ब्रेकअप देना, और उसके बाद स्टेप नंबर टू, एक लाइन ब्रेक करने के बाद स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर क्या आएगा, इन द गिवन केस। अब वो जो गिवन केस आपको दे रखा है, आप उस गिवन केस के बारे में लिखेंगे, इसका हेडिंग रखेंगे इन द गिवन केस, और यहां से लिखना शुरू कीजिएगा जो भी आपने लिखना है। अगेन कोई मार्जिन नहीं छोड़ना लेफ्ट हैंड साइड पर। ध्यान रखना इसका कोई भी नंबर नहीं होता, ये एक भी नंबर का नहीं होता, एक नंबर भी इसका नहीं मिलना आपको, मगर लिखना जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाइन का रहना चाहिए, इससे ज्यादा लिखोगे समय खराब करोगे। गिवन केस के फैक्ट्स लिखने हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसके फैक्ट्स लिखने हैं। इन द गिवन केस लिख दिया, मैक्सिमम 3 लाइन का लिख दिया। उसके बाद ये जितना पोर्शन है इसकी क्लिपिंग बना के मैं अभी आपके ग्रुप में भी दे रहा हूं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका हेडिंग आपने कसम खा लो जरूर देना है। हेडिंग रहेगा कंक्लूजन। अब आप कंक्लूजन ये हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, अच्छा कंक्लूजन क्या रहेगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के सबसे आखिरी लाइन देखिएगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है एडवाइस कीजिए कि यहां पर क्या होना चाहिए, तो आप लिखेंगे वी मे एडवाइस, वी मे एडवाइस।
फिर कहेगा ओपिनियन दीजिए कि क्या होगा, तो वर्ड क्वेश्चन में अगर ओपिनियन है तो आप ओपिनियन ही देंगे। फिर वो कहेगा कंक्लूड कीजिए, डिसाइड कीजिए, वी मे कंक्लूड, वी मे डिसाइड। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इतनी बात क्लियर। तो वी मे एडवाइस, वी मे, ये जो मैं बता रहा हूं ये सीए फाइनल तक यही चीज रेलेवेंट रहेगी, सीए फाइनल तक भी, ठीक है, फाउंडेशन से फाइनल तक ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने मैक्सिमम मैक्सिमम 3 से लेकर 4 लाइंस का कंक्लूजन लिखना है, जिसमें आपको डिसीजन देना है और साथ में सेंस और एज, ये आपने डिसीजन क्यों लिया ये भी आपको बताना है, सब कुछ इंक्लूड करके 3 से 4 लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। ये जितना ज्यादा क्रिस्पी होना चाहिए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यहां पर सेक्शंस वगैरह का यूज नहीं होना चाहिए, बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन लिखना है 3 लाइन के अंदर, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बनानी, ग्लोबल लैंग्वेज यूज नहीं करनी कि मतलब सब कुछ पेल दिया इसी के अंदर, ना, बड़ा क्रिस्पी सा रखना है ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। ध्यान रखना आपका जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ेगा, तब उसे पता लगेगा कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एग्जाम, आपका आंसर का लेवल क्या रहेगा, फिर आपका वो रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले वो इसको गो थ्रू करता है, ठीक है। तो इसलिए कंक्लूजन बहुत क्रिस्पी रखना, और इसमें भी अगर आपको कोई कीवर्ड लगे, पूरा मार्क मत करना, अंडरलाइन मत करना, कीवर्ड को केवल अंडरलाइन कर देना, सिंस या एज जरूर लिखना है, ठीक हो गई इतनी बात। अगली बात, आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए, अब मैं लेंथ पे आता हूं। किसी भी हालत में एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, पहला टाइम, एक नंबर का मतलब होगा 1.30 मिनट्स, एक नंबर पे 1.5 मिनट लगाना है, एक नंबर 1.5 मिनट, उससे ऊपर बिल्कुल मत लिखना उसके बारे में। उसके बाद लेंथ के ऊपर बात करता हूं, लेंथ कितनी रखनी है, एक नंबर का मतलब है 25% ऑफ योर शीट, जो आपको आंसर शीट क्वेश्चन वहां पे मिलेगी, एक मार्क्स का मतलब 25% ऑफ शीट, अब उसी हिसाब से लगा लो, 2 मार्क्स का मतलब है 50%, 4 मार्क्स का मतलब है 100% ऑफ शीट, 5 मार्क्स का मतलब है 125% ऑफ शीट, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये लॉ के लिए प्रेजेंटेशन है, ऑडिट में आप इसको कम कर सकते हैं, 1 मार्क्स का मतलब ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट में लेंथ थोड़ी कम मैनेज हो सकती है, ऑडिट के लिए 1 मार्क का मतलब है 20% ऑफ शीट ऑडिट के लिए, 2 मार्क्स का मतलब होगा 40% ऑफ शीट, बस जी ये सिंपल सा कैलकुलेशन अब आपको ध्यान रहेगा, ठीक है जी। लाइंस में बता दो, मैं लाइंस गिन के आया हूं मुस्कान की, कितनी लाइंस का होना चाहिए, ये कैसी बातें हैं, कैसी क्वेरी है ये, चलिए लाइंस थोड़े ना गिन के आया हूं मैं कि कितनी लाइंस के पेज होंगे वहां पर, तो इतना तो हिसाब लगा लो, वहां 25% का मतलब एग्जैक्ट 25% भी नहीं होता, थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे, 2-4% ऊपर नीचे कर देना लाइंस यार, ये शुक्र है वर्ड्स नहीं कहा अभी, वरना पहले हम वर्ड गिनने शुरू हो जाते। चलिए ठीक हो गई इतनी बात, यस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपके कॉपी से वहीं से करना है। आगे आगे प्लीज आगे सुन लीजिएगा, पहले मेरे को खत्म करने दो। ये तो हुआ हमारा वो प्रेजेंटेशन जब आपने, जब आपको केस स्टडी आई है, तो केस स्टडी का तो प्रेजेंटेशन इन 3 स्टेप्स में होगा, परंतु जब मैं कहता हूं कि नॉर्मल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया है, तो उसमें कुछ भी कंक्लूजन वगैरह नहीं आएगा, गिवन केस नहीं आएगा, उसको नॉर्मल क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से जैसे प्रेजेंट करते हो वैसे ही प्रेजेंट करना है। मतलब अगर मान लीजिए एक नो केस स्टडी, अगर केस स्टडी नहीं आई है तो फिर जैसे प्रेजेंट करते हो वैसे ही प्रेजेंट करना है, मतलब शुरुआत करनी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस लाइन को लिखा, अंडरलाइन किया, बस छोड़ दिया, आगे से फिर लिखना शुरू करो जो भी आपने लिखना है, सेमी कॉलन के अंदर लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, बस कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन, नो गिवन केस, कुछ भी यूज नहीं करना है। ये कब आएगा,
अगर मान लीजिए कोई केस स्टडी आपसे नहीं पूछी है, कोई केस स्टडी नहीं पूछी है, तो आपने इस तरीके से केस को वहां पे सॉल्यूशन को लिख कर आना है। ठीक हो गई थी बात। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, अगर सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने उससे आप उसने आपसे पूछा है। फिर आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो आपसे स्टेटमेंट पूछता है, मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा वो इन्वर्टेड कॉमा में। ये ज्यादातर ऑडिट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ में भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे वो कहेगा कि कमेंट, या फिर बताओ कि क्या ये करेक्ट है, वो ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, अगर आप लॉ में लिख रहे हैं आंसर, तो आपको लिखना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ, जो भी लिखा अंडरलाइन किया। ठीक है, फिर आपने रेलेवेंट प्रोविजन लिखा, जो भी आप प्रोविजन लिखना चाहते हैं लॉ का, जो भी प्रोविजन सेक्शन का है, अगेन सेमी कॉलन में, दो तीन लाइन के बाद पैराग्राफ तोड़ते जाना। फिर नीचे लिखना है कंक्लूजन, गिवन केस यूज मत करना, नो गिवन केस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में गिवन केस यूज मत करना। कंक्लूजन, वी मे कंक्लूड दैट गिवन स्टेटमेंट डेट इज, जो भी है लिखी, इज करेक्ट, अंडरलाइन कर देना इज करेक्ट। बस ये तीन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कितने, पेपर में कितने नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटर में अब एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे केस के रूप में आएंगे। टेस्ट कैसे होगा बता देता हूं, टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपनी एक प्रॉपर टेस्ट की कॉपी बनानी है, टेस्ट की कॉपी के अंदर आपने आंसर लिखना है। जब आप आंसर लिख लेंगे तो अच्छा सा कोई स्कैनर यूज करना, जो मोबाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं, उससे स्कैन करना, सारे पेजेस को एक PDF में कन्वर्ट करना। जो अलग अलग पेजेस भेजेगा वो कंसिडर्ड नहीं होंगे, जो लिंक उठा के भेजेगा PDF के या फिर ड्राइव के, गूगल ड्राइव के, कंसीडर्ड नहीं होंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल सेवी बन जाओ, एक PDF होनी चाहिए, उस PDF को आप एक ईमेल ID दिया होगा, उस ईमेल ID पे भेज देंगे, फिर उसी जिस ईमेल ID से आप मुझे मेल करेंगे उसी ईमेल ID पे आपका रिप्लाई आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर टेस्ट चेक होके आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, प्रोविजन कितने परसेंट होना चाहिए, मैं बता चुका हूं कृष्णा, आंसर का 80% प्रोविजन में आ जाना चाहिए, और 5 या 10% गिवन केस में, और बाकी 10% या 15% के करीब कंक्लूजन में आना चाहिए। सेक्शन ना याद हो तो फिर, हालांकि सेक्शन याद होने चाहिए इंटर लेवल पे, बट अगर फिर भी याद ना हो तो आपको फिर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन मत लिखना, फिर लिख देना एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। MCQ भी टेस्ट में आएंगे। अच्छा, एक बच्चे गलती करेंगे, MCQ की एक्सप्लेनेशन आपने नहीं लिखनी है, उसमें केवल ABCD कोट करना, बस कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। टेस्ट कितने मार्क्स का होगा ये मैं संडे को ही देखूंगा जब बनाऊंगा टेस्ट, अभी नहीं बता सकता। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।